हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हमारा टॉपिक चल रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीव द्रव्य कला, जो कि लिपिड प्लस प्रोटीन दो के मिश्रण से मिलकर बनती है। तीसरा इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हमने हमारी जो सेल बायोलॉजी की बुक है उसके अंदर हम टॉपिक का नाम, सेकंड टॉपिक जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस फॉर्म में मिलकर कौन सा मॉडल बनाते हैं, तो इससे हम पहले हमने तब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की थी, जिसमें हमने देखा कि इसमें लिपिड के अणु जो हैं वो हाई टेम्परेचर पर तरल अवस्था में आ जाते हैं, जिसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल अवस्था। देखो, फिर हम बात करते हैं आज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य देखो, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी झिल्ली है जो कि सिलेक्टेड पदार्थों के कणों को ही क्या है, अंदर आने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये नहीं है कि सिर्फ सिलेक्टेड कणों को ही अंदर आने देती है। कुछ सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह की होती है कि वो विस्तृत होने वाले जो पदार्थों की मात्रा है उन पर निर्भर करता है कि वो उसमें घुलेंगे या नहीं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तीन प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किस प्रकार होती है। उससे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला है परमीएबिलिटी यानी पारगम्यता, और दूसरा है कला परिवहन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिसमें पहला कार्य दे रखा है पारगम्यता तथा कला परिवहन का। देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अपने सबसे पहले एक बात करते हैं कि कोई भी सेल है, मान लो ये कोशिका है और ये इसका केंद्र वाला पार्ट है, और इसके चारों ओर जो पाई जा रही है वो है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। देखो, अपने जैसा कि जानते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर का जो वातावरण है वो बाहर के वातावरण से भिन्न होता है। यानी कोशिका के अंदर का जो वातावरण है, कोशिका का जो इनर एनवायरनमेंट है और जो आउटर एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है, काफी डिफरेंस होता है। यानी कोशिका के आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण में क्या होता है, काफी डिफरेंस होता है, जिस कारण क्या होता है, देखो कोशिका के अंदर का वातावरण इसके बाह्य वातावरण से बिल्कुल अलग होता है। जैसा कि प्राणी कोशिका के अंदर यदि हम बात की जाए, जिसे हम कहते हैं ब्लड सेल्स, यानी कि यदि किसी भी प्राणी की कोशिका जैसे कि ब्लड सेल्स है, उसमें जो आयनों का संगठन होता है, केमिकल जो आयनों का कंपोजिशन होता है, वो कोशिका के बाह्य द्रव के आयन संगठन से क्या होता है, भिन्न होता है, और संपूर्ण जीवन काल में यह भिन्नता बनी रहती है। तथा इससे प्लाज्मा कला, जिसमें एक प्लाज्मा कला जो होती है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जो अणुओं व आयनों के आवागमन पर नियंत्रण रखती है। अतः स्पष्ट है कि कोशिका में संपूर्ण आदान प्रदान यानी रासायनिक लेन देन जो होता है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होता है। तो हमने बात की कि आरबीसी की, तो आरबीसी के अंदर जो आयन पाए जाते हैं, आरबीसी के सेल्स के अंदर जो आयन पाए जाते हैं वो इसके बाह्य कोशिका द्रव से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक विशेष प्रकार का रोल अदा करती है। वो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाहर जाने वाले पदार्थों पर और अंदर आने वाले पदार्थों पर दोनों पर क्या करती है, अपना कंट्रोल रखती है। फिर देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है
उसे सब उसका सबसे पहला जो प्रकार है वो देखो कौन सा है, इम्परमिएबल या अपारगम है। नाम से स्पष्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो अपारगम में, यहाँ पे पारगम में है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होती है पारगम्य और एक होती है अपारगम्य। यानी पारगम्य तो वो झिल्ली होती है जो पदार्थों को आर पार जाने देती है, अपारगम्य जो नहीं जाने देती। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहली आती है आपकी अपारगम्य यानी इम्परमिएबल, ऐसी झिल्ली जिसके आर पार कोई भी तरल में गैसीय पदार्थ नहीं जा सकते। यानी कि इम्परमिएबल अपारगम्य झिल्ली की यदि बात करें, अपारगम्य झिल्ली की यदि बात की जाती है तो कौन सी झिल्ली है, यह वह झिल्ली होती है जो कि तरल व गैसीय पदार्थों को नहीं जाने जाने देती, जो कि तरल व गैसीय पदार्थों को आर पार नहीं जाने देती। तो देखो सबसे पहले हमने इम्परमिएबल यानी कि अपारगम्य या इम्परमिएबल की बात की, ऐसी झिल्ली जिसके अंदर ना तो लिक्विड जा सके ना ही गैसीय सब्सटेंस जा सके, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो ना तो गैसीय पदार्थों को जाने देती है और ना ही तरल पदार्थों को जाने देती है, वो झिल्ली कौन सी कहलाती है, इम्परमिएबल या अपारगम्य। दूसरी देखो पारगम्य, ऐसी झिल्ली जिसके पार पदार्थों का आवागमन हो सकता है। पारगम्य मतलब परमिएबल, परमिएबल मतलब पार जाना, ठीक है। तो देखो ऐसी झिल्ली जो तरल व गैसीय पदार्थों को पार जाने देती है, आर पार आने जाने देती है, ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सेमी परमिएबल और एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो सेमी परमिएबल को बोलते हैं हम अर्ध पारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, जल या विलेय के कण ही आर पार जा सके। यानी ऐसी झिल्ली जिसके अंदर जल या जो विलेय के कण है वो ही क्या होंगे, आर पार जा सकते हैं, वो क्या कहलाती है, अर्ध पारगम्य। अर्थात ये सिर्फ जल को ही क्या है, पार जाने देती है, बाकी सब्सटेंस को नहीं जाने देती, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल या अर्ध पारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें सिर्फ जल या विलेय पदार्थ जो होते हैं ही आर पार जा सकते हैं, वो होती है सेमी परमिएबल। दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरी है चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक का मतलब सिलेक्टेड किए गए पदार्थों को ही पार जाने देते हो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है सिलेक्टिवली परमिएबल, ऐसी झिल्ली जो जल में उसमें घुले हुए पदार्थों की पारगम्यता में श्रेणीकरण या भिन्नता रखती है। उदाहरण है जल में कुछ घुलित पदार्थ जैसे ग्लूकोज और लवण के विनिमय तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही भौतिक स्वरूप वाले अन्य पदार्थों का विनिमय नहीं हो सकता है। यानी कि जल में जो घुली हुई ग्लूकोज है, यानी जल में जो घुला हुआ ग्लूकोज है और जो उसके कुछ जो साल्ट्स हैं या लवण जो हैं उनका तो विनिमय हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ही भौतिक स्वरूप वाले अन्य पदार्थों का विनिमय नहीं हो सकता, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है, जिसमें हमने पहले पढ़ा परमिएबल और दूसरी पढ़ी हमने इम्परमिएबल। इम्परमिएबल ऐसी झिल्ली जो जल और जो गैस है इन दोनों ही पदार्थों को पार नहीं जाने देती, यानी ऐसी झिल्ली जिसके आर पार कोई भी तरल व गैसीय पदार्थ नहीं जा सकता, वो झिल्ली क्या होती है, अपारगम्य। और ऐसी झिल्ली जिसमें अंदर पदार्थों का लेन देन हो सकता है वो होती है पारगम्य। पारगम्य हमने दो प्रकार की पढ़ी, अर्ध पारगम्य और चयनात्मक पारगम्य। अर्ध पारगम्य झिल्ली तो वो होती है जिसमें जल के कण क्या है, सिर्फ पार जा सकते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होती है, ऐसे
ऐसी झिल्ली जो सिलेक्टेड किए गए पदार्थों को ही क्या जाने देती है, क्या है, पार होने देती है, या सिलेक्टेड किए गए पदार्थों को ही गमन आयनिहार पार जा सकते हैं उसके। परिवहन की दृष्टि से, परिवहन का मतलब लाना और ले जाना, परिवहन की दृष्टि से प्लाज्मा कला अर्ध पारगम्य और चयनात्मक पारगम्य होती है। यदि हम देखें कि ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की दृष्टि से देखें तो प्लाज्मा कला जो होती है यानी प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य और चयनात्मक पारगम्य होती है। देखो कैसे, जैसा कि इसने इन्होंने लिखा है कि प्लाज्मा कला लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। हम जानते हैं लिपिड की बाइलेयर किस तरीके से होती है, देखो प्लाज्मा कला लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनती है इसलिए लाइपोप्रोटीन की, जिसमें लिपिड का द्विस्तरीय जल विलेय पदार्थों के लिए एक रुकावट पैदा करता है। लिपिड का द्विस्तर, लिपिड का द्विस्तर कौन सा है, ये जल विलेय पदार्थों के लिए क्या उत्पन्न करेगा, रुकावट। अर्थात लिपिड की जो ये बाई लेयर दिखाई दे रही है, लिपिड की जो ये बाई लेयर आपको दिखाई दे रही है यहां से लेकर यहां तक, जिसके अंदर ये दो रीजन होते हैं, एक होता है पोलर रीजन और ये जो है ये है नॉन पोलर रीजन। हाइड्रोफोबिक और ये जो है ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड का द्विस्तर जल विलेय पदार्थों के लिए रुकावट पैदा करता है। मतलब ये लिपिड की जो बाइलेयर आपको दिखाई दे रही है ये जल के कणों को पार नहीं जाने देती, परंतु फिर भी कुछ पदार्थ इस लिपिड के द्विस्तर के आर पार आवागमन कर सकते हैं। लिपिड की जो बाई लेयर है ये जल के लिए क्या कर रही है, रुकावट पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी क्या है, जल जो कुछ पदार्थ होते हैं इस लिपिड के द्विस्तर के आर पार आवागमन कर सकते हैं। इस कला में उपस्थित प्रोटीन अणुओं की भी एक विशेष भूमिका होती है। देखो आपने प्रोटीन यहां पर इस तरीके से पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और इसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं इसको। ये भी कौन सी है, इंटीग्रल प्रोटीन। देखो इस मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन अणुओं की विशेष भूमिका होती है। कैसे, हमने देखा कि जो लिपिड की बाई लेयर है, लिपिड की बाई लेयर जो है वो किसको नहीं जाने दे रही, जल के अणुओं पे, जल के अणुओं को नहीं जाने दे रही, जल के अणुओं को नहीं जाने दे रही। फिर भी कुछ अणु जो होते हैं जल के वो इस लिपिड, इस मेम्ब्रेन लिपिड के अणुओं से होते हुए आर पार चले जाते हैं। इस लिपिड, इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन अणुओं की एक विशेष भूमिका होती है। कैसे, देखो प्रोटीन के अणु प्लाज्मा कला में लिपिड की स्तर की सांद्रता को विच्छिन्न करते हैं तथा परिवहन का एक विकल्प बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। किस प्रकार से, देखो तो देखो यानी लिपिड की जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन के अणु जो है वो
एक परिवहन का एक विकल्प बनाते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कैसे? जैसे कि मान लो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि मान लो ये है, इस डायग्राम में लिपिड की बाई लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये लिपिड की बाई लेयर है और इनके अंदर जो प्रोटीन है, देखो एक दो, ये कौन सी प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ये क्या बनाती है, एक चैनल बनाती है, एक ट्रांसपोर्ट का ट्राई रास्ता बनाती है। इन चैनल के माध्यम से जो अणु होते हैं, ये देखो मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, ये मॉलिक्यूल्स है जो लिपिड की मेम्ब्रेन में से, लिपिड की बाई लेयर में से क्या होता है, पार होता है। देखो कैसे, यहां पे ये है एक पदार्थ, मान लो चाहे कोई भी पदार्थ है, ये यहां पर आने के बाद प्रोटीन के ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद इसके अंदर से क्या हो जाएगा, पार होके इस तरफ आ जाएगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आ जाएगा। तो यहां पे हमने बात यही की थी कि देखो ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसमें से कुछ प्रोटीन वाहिका या प्रोटीन चैनल बनाते हैं जिसके द्वारा अणु या आयन आसानी से गमन कर सके तथा कुछ वाहक प्रोटीन्स के रूप में वेक्टर, यानी कुछ वाहक प्रोटीन्स के रूप में कार्य करते हैं जिसके साथ संयुक्त होकर अन्य आयन परिवहन किए जाते हैं। किसी भी झिल्ली की पारगम्यता मुख्यतः झिल्ली में उपस्थित छिद्रों के अभिगमन अणुओं या पदार्थों में, लेकिन वस्त्र में विलेयता पारित होने वाले पदार्थों की कोशिका द्रव्य में सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि मैं आपको ये है लिपिड की बाई लेयर, इस लिपिड की बाई लेयर में ये है इंटीग्रल प्रोटीन। ये है इंटीग्रल प्रोटीन, यहां पे भी है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। लिपिड बाई लेयर, लिपिड की द्वि परत, देखो क्या होता है। मान लो ये कोई मॉलिक्यूल्स है जिसको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ आना है। यदि कोई मॉलिक्यूल्स जो है वो यहां पर आता है तो क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन के चैनल होते हैं, ये प्रोटीन के जो चैनल होते हैं इनके मध्य कुछ पोर्स पाए जाते हैं, कुछ छिद्र पाए जाते हैं। तो या तो मॉलिक्यूल्स सीधा एंटर कर जाएगा इसके अंदर से, या फिर क्या होता है, ये प्रोटीन्स जो होती है और ये है मॉलिक्यूल्स जो है अंदर की तरफ जाना चाहता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड करके यहां से होता हुआ
लिपिड की बाई लेयर को क्रॉस करते हुए आंतरिक वातावरण में आ जाता है। तो हमने जो बात की थी कि जो प्लाज्मा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, इसमें लिपिड का जल विलय स्तर जो है वो रुकावट पैदा करता है, फिर भी कुछ पदार्थ लिपिड के द्विस्तर के आर पार आवागमन कर सकते हैं। इस कला में उपस्थित प्रोटीन अणुओं की एक विशेष भूमिका होती है। प्रोटीन अणु प्लाज्मा कला में लिपिड की स्तर की सांद्रता को विच्छिन्न करते हैं। विच्छिन्न का मतलब लिपिड की बाई लेयर को क्या करते हैं, अलग करते हैं यहाँ पे, तथा परिवहन का एक विकल्प बनाते हैं। देखो जब जो प्रोटीन है वो प्रोटीन लिपिड की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि लिपिड के अणु पर जल के अणु को अंदर की तरफ नहीं आने दे रही, लेकिन जो प्रोटीन है वो क्या कर रही है, प्रोटीन के जो है वो लिपिड के अणु को, दो अणुओं को अलग अलग करती है, क्योंकि लिपिड जो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन वो लिपिड के दो अणुओं के मध्य स्थित होती है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, यहाँ पर ये एक रास्ता बनाती है। कैसे, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो आता है वो इस प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद इसके अंदर से आर पार चला जाता है। तो यहीं पे हमने ये बात जोड़ने यहाँ पे की थी कि प्रोटीन का एक चैनल बनता है, उस प्रोटीन चैनल के माध्यम से क्या है, ये जो अणु है ये आर पार जा सकते हैं। तो देखो हमने बात की कि इस तरीके से अणु अंदर की तरफ आ सकते हैं। देखो प्लाज्मा कला के आर पार, प्लाज्मा कला के आर पार अणुओं का अभिगमन दो प्रकार से होता है, जिसमें पहला आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है सांद्रता का डिफरेंस। देखो जब अणुओं का परिवहन अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है तो उसे हम कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। यानी जब अणुओं का परिवहन अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर हो तो उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी जब कोई भी अणु है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कोई भी अणु है वो अपने अधिक सांद्रता से, यहां पे मान लो कोई मटेरियल है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी सांद्रता ज्यादा है, वो क्या है, यहां पे सांद्रता ज्यादा है, यहां पे क्या है कम है। तो देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जब अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं का अभिगमन होता है तो वो कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी जिसमें अणुओं का परिवहन अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले। उदाहरण क्या है, सिंपल डिफ्यूजन या सरल मिश्रण तथा सुकरण मिश्रण, जिसमें मिश्रण वाहक की सहायता से होता है, वेक्टर चाहिए इसके अंदर। जिस वेक्टर क्या होता है, जिस प्रकार देखो मादा एनोफ्लीज, मतलब हमें जो मलेरिया रोग होता है उसका वेक्टर कौन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर है, और मादा एनोफ्लीज मच्छर की लार में को क्या पाया जाता है, एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि हमें क्या करता है, संक्रमित करता है, हमारी सेल्स को क्षतिग्रस्त करता है। इसी प्रकार इनमें भी क्या होते हैं, वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, एक मिडल यानी वेक्टर की आवश्यकता है, बिचौले की आवश्यकता पड़ती है जिसके सहायता से अणुओं का अभिगमन होता है। दूसरा है सक्रिय परिवहन, हम वन बाय वन उनको पढ़ेंगे। देखो इसमें अणुओं का गमन कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। देखो इसमें अणुओं का गमन कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले, हमने जब निष्क्रिय परिवहन पढ़ते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन जो होता है वो कौन से माध्यम से होता है, निष्क्रिय परिवहन के माध्यम से होता है। लेकिन यदि हम सक्रिय परिवहन की बात करें तो जो अणु है उसका कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, यानी यहां से यहां, जब ये किस प्रकार का है, ये है सक्रिय परिवहन। और ये किस प्रकार का परिवहन है, निष्क्रिय परिवहन। तो आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस याद रखना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, जबकि
पैसिव ट्रांसपोर्ट में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो गमन जो होता है तो वो कहलाता है किस प्रकार का, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का। देखो सिर्फ देखो इसमें अणुओं का गमन कम सांद्रता वाले क्षेत्र से, कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी इसमें एनर्जी लगती है, लेकिन इसमें जो जो हमने निष्क्रिय परिवहन पढ़ा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, इनके अंदर जो है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अणु जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गमन करते हैं, अधिक सांद्रता से लो कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यह गमन भी वेक्टर की सहायता से, दोनों में किसकी आवश्यकता पड़ रही है, वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अणुओं के अभिगमन के लिए एक होता है एक्टिव, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं, निष्क्रिय अभिगमन और सॉरी निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन में अंतर बताइए या इन दोनों की डेफिनेशन। तो आपको एक बात पता लगी कि निष्क्रिय परिवहन में अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जबकि सक्रिय परिवहन में अणुओं का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, दोनों में ही किसकी आवश्यकता पड़ती है, वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फर्क क्या है, निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो सुकरण विसरण व सक्रिय अभिगमन के लिए आवश्यक वेक्टर भिन्न, यानी जो निष्क्रिय पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो वेक्टर काम में लिए जाते हैं उनमें देखो सबसे पहला है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या होता है, जो एक ही प्रकार के विलेय को स्थानांतरित करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ, यानी कि ये है यूनिपोर्ट। देखो आपको इसके अंदर यूनिपोर्ट वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है। देखो इसमें क्या है, ऊपर एक मॉलिक्यूल्स है, ये लिपिड की बाइलेयर में से इंटीग्रल प्रोटीन के माध्यम से क्या है, अंदर की तरफ आ रहा है, इसे कहते हैं यूनिपोर्ट। यानी कि जब अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन हो रहा है तो वो किस प्रकार का है, यूनिपोर्ट है। इसके अंदर जो अणुओं का अभिगमन होता है वो सिर्फ एक ही दिशा में होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ही दिशा में एंट्री करते हुए इस तरफ से बढ़ते हैं। फिर देखो कोर ट्रांसपोर्ट, सक्रिय सह परिवहन। सह परिवहन का मतलब देखो क्या होता है, इसमें एक विलेय का स्थानांतरण दूसरे विलेय के गमन पर निर्भर करता है, या एक ही एवं दोनों दिशा, इस प्रकार का जो परिवहन होता है वो एक दिशा में या दोनों दिशाओं में हो सकता है, जिसमें हम सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट की बात करेंगे। देखो सिम्पोर्ट होता है, यह वाहक दो प्रकार के विलेय को एक साथ एक ही दिशा में ट्रांसफर करता है, और एंटीपोर्ट क्या है, यह वाहक दो प्रकार के अणुओं को विपरीत दिशा में एक साथ स्थानांतरित करता है। सिम्पोर्ट में, यानी सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट मिलकर क्या कहलाते हैं, कोर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को मिला के कहा जाता है कोर ट्रांसपोर्ट। हमने पढ़ा कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, निष्क्रिय परिवहन होता है, उसके अंदर किसकी आवश्यकता पड़ती है, वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इनके अंदर देखो वेक्टर किस प्रकार से होते हैं, यूनिपोर्ट में हमने पढ़ा कि इसमें जो विलेय के अणु जो होते हैं वो एक ही दिशा में क्या करते हैं, गमन करते हैं, अंदर की तरफ गमन कर रहे हैं। लेकिन जो कोर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, कोर ट्रांसपोर्ट एक ऐसा परिवहन माध्यम होता है जिसमें विलेय के अणु एक ही दो विलेय के अणु एक ही दिशा में गमन भी कर सकते हैं, और दो विलेय के अणु अलग अलग दिशाओं में भी गमन कर सकते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सिम्पोर्ट और एक होता है एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट में आप देख रहे हो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही दिशा में इंटीग्रल प्रोटीन के माध्यम से क्या है, अंदर की तरफ एंट्री कर रही है। जबकि एंटीपोर्ट में देखो, एंटीपोर्ट के अंदर क्या होता है, एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर की तरफ एंट्री कर रहा है इंटीग्रल प्रोटीन के माध्यम से, जबकि दूसरा जो अणु है
वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, वो भी किसके माध्यम से, इस इंटीग्रल प्रोटीन के माध्यम से। तो यहाँ पे हम बात करें वेक्टर कौन हुआ, वेक्टर यहाँ पे एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है जो कि विलेय के पदार्थों को अंदर भी आने दे रही है और बाहर भी जाने दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की कि किस प्रकार से जो ये प्रोसेस होती है। तो आपने देखा सूकरण मिश्रण में सक्रिय विघटन में के लिए वेक्टरों की आवश्यकता होती है, और वेक्टर किस रूप में होते हैं, यूनिपोर्ट के रूप में होते हैं, कोट्रांसपोर्ट के रूप में होते हैं। कोट्रांसपोर्ट दो प्रकार का, सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट। नेक्स्ट देखो, कोशिका में विभिन्न पदार्थों का, यानी कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का प्लाज्मा कला के आर पार जो परिवहन होता है वो निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है, जिसमें पहला दे रखा है निष्क्रिय परिवहन। ये है किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट, ये है हम बात करें तो ये पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये किस प्रकार का है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का उदाहरण है, पैसिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन या सरल मिश्रण। देखो सरल मिश्रण में जीव द्रव्य कला के आर पार पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। हम जानते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें अणुओं का जो या पदार्थों का जो परिवहन है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। और इस प्रकार के परिवहन व उसकी दिशा विस्तृत होने वाले अणुओं की सांद्र प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करती है। देखो आयनों का विसरण सांद्र प्रवणता के साथ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पर भी निर्भर करता है, दोनों प्रवणताएं सम्मिलित रूप से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाती है। निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा का व्यय नहीं होता तथा अणुओं का गमन एक धीमी गति से होता हुआ एक ही दिशा में होता है। देखो ये है आपका सिंपल डिफ्यूजन का डायग्राम, सिंपल डिफ्यूजन, ये इतना जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है सिंपल डिफ्यूजन का। देखो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सिंपल डिफ्यूजन के अंदर, देखो सिंपल डिफ्यूजन में हम देख रहे हैं कि मोलेक्यूल्स जो है वो लिपिड की या तो बाइलेयर के साथ सीधे धीमी गति से एंट्री कर, यानी कि जो अणुओं का आवागमन होता है वो धीमी गति से होता है। हम इतनी सी प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं, हमने इसे कहा सिंपल डिफ्यूजन। देखो अणु है ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, सभी कैरियर प्रोटीन है, ये क्या कर रही है, इनके अंदर से एक ही दिशा में अणु जो है वो गमन कर रहे हैं। तो ये है सिंपल डिफ्यूजन। अब फैसिलेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो देखो फैसिकुलेटेड डिफ्यूजन के अंदर हमने यहां पे देखा, देखो फैसिलेटेड डिफ्यूजन या सुगमित मिश्रण क्या होता है, देखो कई पदार्थों का जैसे शर्करा व एमिनो अम्ल आदि का जीव द्रव्य कला के आर पार मिश्रण सरल डिफ्यूजन की तुलना में अधिक तेज दर से प्लाज्मा द्वारा होता है। यह विशेष प्रकार का मिश्रण प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले वेक्टर्स की सहायता से होता है तथा इसे सुकरण मिश्रण कहते हैं, यानी फैसिलेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यह भी निष्क्रिय परिवहन का ही होता है, इसमें उपापचय ऊर्जा का व्यय नहीं होता है तथा इसमें भी अणुओं का परिवहन अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। तो यानी कि यदि हम बात करें, यह है ये जो पार्ट आपको दे रखा है इसके अंदर देखो, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन में सरल मिश्रण की प्रक्रिया में मॉलिक्यूल्स जो है लिपिड की बाई लेयर को क्रॉस करता हुआ अंदर की तरफ आ रहे हैं, या फिर क्या है यहां पर लिपिड के जो सॉरी प्रोटीन के प्रोटीन चैनल जो होते हैं उनके मध्य छिद्र पाए जाते हैं, उनसे डायरेक्ट एंट्री लेता है, ठीक है, उनसे डायरेक्ट एंट्री ले रहा है। मोलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहा है, यहां पे मोलिक्यूल्स के अंदर वो प्रोटीन के मध्य छिद्र जो पाए जाते हैं उनसे एंट्री अंदर कर जाता है। तीसरे वाले में क्या है, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में मोलिक्यूल्स यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचने के बाद ये जो वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार का ये इंटीग्रल प्रोटीन, इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जो है धीरे धीरे
अंदर की तरफ मूव करेगा। तो इसके अंदर वेक्टर की आवश्यकता पड़ी, लेकिन इसके अंदर किसी भी वेक्टर इसके लिए ये वाला है, लेकिन इसके अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं उनकी एंट्री सीधी नहीं होती, वो पहले क्या करेंगे, बाइंड करेंगे किसी के साथ। लेकिन इसके अंदर क्या है, बाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, प्रोटीन छिद्रों के माध्यम से सीधा ही क्या करते हैं, अंदर की तरफ गमन करते हैं। तो आज का हमारा ये था टॉपिक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे इससे आगे की, तब तक आप इसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।